कहते हैं कि भुखे नूं खाना खवाउणा ते जरूरतमंद लोगों की मदद करना किसी पुन दे काम तो घट नहीं हुंदा। बेशक अजकल लोग सिर्फ ते सिर्फ अपने बारे सोचते हैं, लेकिन अजे भी इस समाज दे विच कुछ अजिहे लोग ने जो हमेशा दूसरों की मदद दे लई सामने आउंदे ने। ते इक अजिही ही संस्था कपूरथला दे विच भी काम कर रही है पिछले 4 साल तो। इस संस्था का नाम है रहमत मिशन इम्यूनिटी संस्था, जो जरूरतमंद परिवारों की मदद करती है, भुखिया नूं खाना खवाउंदी है। ते जदों इस संस्था के प्रबंधकों के नाल गलबात की गई, इस संस्था के बारे जानने की कोशिश की गई, तो की कहना सी उन्हां दा, आओ सुनाउंदे आ तुहानूं। एक्चुअली ना साडी इक सोच सी ना, जिदा हुण असीं परिवार ओवरले फाइंड आउट करीदे आ, जिन्हां दे यहां ते बजुर्ग माँ प्यो आ जिहड़े 70-80 साल दे एज च बैठे आ, जिहड़े ना ते कमा सकदे आ ते ना कोई उन्हां दा कोई जरिया वा, या फिर ओवरले परिवार असीं इस वक्त कैच कर रहे हैं जिहड़ा सही सलामत जीते हैगे आ, है ना, घर दे विच, लेकिन दिमागी बीमार बैठे। अगर आपां कहीए उन्हां फिजिकली बीमार नहीं है, लेकिन दिमागी हालत करके ना तो वह घरों बाहर जा सकते हैं तो ना कोई उन्होंने घर राशन देन आता। तो असी आ चीज़ सोची सी कि अगर एक परिवार की अगर महीने की इनकम 5,000 है तो अगर वह 2-3 हज़ार राशन से खर्चा पै रहा ना तो वह अपने बच्चों का स्टडी वाल अच्छी तरह फोकस कर सकता, घर से अगर बजुर्ग माँ बाप बैठे तो ना उन्होंने इलाज कोई अच्छे होस्पिटल कर सकता। अगर घर धी बैठी है तो धी की ब्याह लिए उन्होंने दूजे जगह जाके हाथ अड्डने पैणगे। तो साडा ये सीगा कि जिहड़े वो राशन के पैसे खर्च रहे उ राशन बचा के कोई बच्चे की FD करा दें, कोई कमेटी पा लें, कोई यहोजी जगह उन्होंने सेव कर लें कि कल 2-3 साल बाद उन्होंने किसी अगर हाथ ना अड्डना पवे, इन्ने उन्होंने पैसे इकट्ठे हो जाए। कि रहमत इस करके कि सारे परिवार सारे वीर सारे अपने दानी परिवार के सहयोग के नाल उन्हों की रहमत के नाल यह संस्था साड़ी चल रही है। 55-60 परिवार है जिन्होंने असं हर महीने असं राशन देने, पर हो जाता वा कि कई परिवार जोड़े खुद ही अपने समय तो बाद कह देंगे कि साड़ा यानी कि हम घर का गुजारा हो रहा, हम सू राशन की जरूरत नहीं, फिर उन्होंने जगह से नवे घर फाइंड आउट करने शुरू कर देते हैं। इस वक्त साढ़े को 40 परिवार है जिन्होंने असं हर महीने राशन दे रहे हैं। मैंने हूँ सारे दानी वीर के सहयोग के नाल ही है। अगर मैनेज वीर की गल तो मैं दसा, हर महीने 70-80 हज़ार का साडा खर्चा होंगे, तो इन्नी साड़ी औकात है नहीं कि असं अपनी जेबा के पैसे कट के असं एक चीज़ कर सके, क्योंकि करोना तो बाहर चंगे बंदे का लक टुट चुका वा, इन्नी महंगाई हो चुकी है, जिते अपने घर के गुजारे नहीं होंगे उत्थे इन्हां दे घर के गुजारे जिम्मेवारी चुकनी बहुत मुश्किल आ। पर फिर भी वो सच्चे पातशाह परमात्मा की मेहर आ, यह दानी वीरां दा सहयोग आ कि जिहड़े अगे वध के सहयोग दे दिंदे आ। साडी संस्था का मेन मोटिव आ कि असीं पैसा नहीं कितों लैंदे, अगर किसी ने सानू दान देना वा कोई सेवा देनी है तो उससे सानू राशन की सेवा दे, क्योंकि ना तो असीं पैसा लैंदे तो ना अगे दिंदे आ, पैसे की सानू कोई जरूरत नहीं है। दस घट है कि 70-75 हज़ार का हर महीने का राशन होंगे। अगर हूँ की भी गल करें तो आउटस्टैंडिंग 40-42 हज़ार रुपये साड़े राशन वाले की खड़ी है देने वाली। हूँ चीज़ा ये तो चलो हो गया कि आप फाइनैशियली दिक्कत हो गई, कई वीर यहो जी जिन्हें साथ की देना वा वो उदा बड़ा टोर्चर करते कि तुम जो राशन वंटते हो राशन कितने अपने बंदे तो उन्होंने देने या कि वा है ना उस चीज़ से, कई होंगे ही कि यार जिन्होंने दिल करता उन्होंने राशन देने, पर साड़ी सोच नहीं है यार कि तुसी अपने मोढ़े का भार उतार के साडे मोढ़े ते अगर पाने हो ना, अगर अपने घरों दान करके साडे वल तुसी देने हो तो साडी जिम्मेवारी बहुत वड्डी हो जाती है। तो साडा मेन फोकस हो जाता कि असी वो ताडा दान है ताडा वो रुपया असी चंगे पासे लाइए। आज जिन्हें परिवार इत्थे खड़े आ या जिन्हें बैठे आ, एक परिवार असी खुद जाके वेरीफाई करी दिया, खुद जाके चैक करी दिया। ईवन असी आ भी वीर जी सारे कहने कि जे कोई वीर भैन भरा सेवा करना चाहता वा, सानू ना कोई पैसा दो, सानू ना कोई राशन दो, महीने च असी एक ऐतवार राशन वंडना हुंदा, तुसी अपने परिवार के नाल आओ, मैं तुहानू खुद इन्हां दे घरां च लैके जाऊंगा, तुसी अपने परिवार के हत्थी इन्हां दे दीयां की सेवा करो, देखियो तुहानू भी यकीन होएगा कि जिहड़ा तुहाडा पैसा वा, जिहदा गुरु नानक देव जी दा सीगा कि गरीब दा मूंह गुरु दी गोलक, तुहानू भी यकीन होएगा कि वाकई वो जिहड़ा तुहाडा दान आ सही पासे जा रहा कि नहीं जा रहा।